कपिल मेहरा, फिटनेस दोस्त हूँ आपका और आपका सिर्फ फिटनेस टीवी में स्वागत करता हूँ। यार, अपन है ना, बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग अगर कर रहे हैं तो वे प्रोटीन लेते हैं, प्री वर्कआउट कई लोग लेते हैं, BCAA लेते हैं, पर एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। और बहुत सारे प्रोसेस आपके बॉडी में जो होते हैं, आपके जो मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए कौन सा सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट है, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। देखते रहिए सिर्फ फिटनेस टीवी। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यार, मेरे जो आप व्यूअर्स हो, आप लोग मेरी जान हो, आप के वजह से ये चैनल चल रहा है। और आप चाहते हैं अगर ये चैनल ग्रो करे तो आप अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो। और आप जानते हैं कि मेरा कंटेंट बिल्कुल लॉजिकल होता है, कोई भी ऐसा मैं इसमें कंटेंट नहीं डालता कि आप 6 इंची बाइसेप्स बढ़ा लें एक महीने में, या 2 इंची कमर कम कर लें 7 दिन में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक लॉजिकल कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करें। तो इसके बाद मैं अब शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि आपको बॉडी बिल्डिंग में जो सपोर्ट करता है वो है मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल। उसकी इम्पोर्टेंस का राज जानिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी आप फूड डेफिशिएंट होते हैं या आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल डेफिशिएंट हो जाते हैं, और उसके कारण से बॉडी में कई सारी प्रोसेसेस आपके ना डिले हो जाती हैं, आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रही होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप एग्जांपल लें तो विटामिन डी हम धूप नहीं लेते, तो हम विटामिन डी डेफिशिएंट होने से हमारे बोन हेल्थ पे असर पड़ता है। आप आ जाएं विटामिन के डेफिशिएंट होने से कई सारी प्रोसेसेस बॉडी की रुक जाती हैं। मिनरल्स पे आ जाएं तो सोडियम एंड पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब जब आप वर्कआउट करते हो पसीना निकलता है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना बिल्कुल आपका चेंज हो जाता है, उसको कवर करने के लिए विटामिन मिनरल लेना जरूरी होता है। हम आ जाएं तो कैल्शियम, फिर से बोन हेल्थ की बात आ गई। इसके बाद में आ जाएं आयरन है, जैसे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए। मैग्नीशियम है और जिंक है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन काउंट के लिए। तो ये सब चीज़ें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के बारे में आपको मैं बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टैबलेट कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल है, तो वो कोई भी एक टैबलेट आप वर्कआउट के बाद लें। उससे क्या होगा कि जैसे आपने प्रोटीन लिया है या जो भी आप BCAA ले रहे हैं, आपका जो मैक्सिमाइज है ना उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बॉडी है ना प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं विटामिन और जो मिनरल है वो उसके साथ में आप वे प्रोटीन के साथ में लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको बॉडी में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो हमको लेना है, सिर्फ एक टैबलेट लेना है, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी जो आपके केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है, आप A to Z ले सकते हैं मल्टीविटामिन में, मल्टी मिनरल में। आप रीवाइटल ले सकते हैं, एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है एमिल फार्मा का। एमिरॉन है, एमिरॉन ये ले सकते हैं, इसमें इन लोगों ने कुछ है ना टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि शतावरी, गोक्षुरा है, अश्वगंधा है। तो इन तीनों में से आप कोई भी है ना मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ले सकते हैं, और वही मैंने बेस्ट समय जो है उसका लेने का वो मैंने बताया आपको। आप जब वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद जब प्रोटीन लेते हैं उसके साथ में आप एक कोई भी मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल ले लें, इससे आपकी ग्रोथ में आप फ़र्क देखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि अब से आपके जिम बैग में एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल रखा रहेगा और उसको आप लेते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लूंगा। विदा लेने से पहले ऑब्वियसली आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ, टाटा फॉर नाउ।